अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BBA MBA होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA BSc BCom MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856912231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी राहत, बिहार के कैंसर मरीजों को अब 22 से IGIMS में ही मिलेगी आधुनिक इलाज की सुविधा। बिहार के कैंसर मरीजों को अब पटना में ही सभी आधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा अगले सप्ताह 22 सितंबर से मिलने लगेगी। इससे मरीज को काफी सहूलियत मिलेगी। बहुप्रतीक्षित IGIMS के स्टेट कैंसर सेंटर का उद्घाटन 22 सितंबर को होगा। इससे कई सालों से कैंसर मरीजों का इंतजार खत्म हो जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा, कही ये बात। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का समय नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सत्ता पक्ष NDA और विपक्ष महागठबंधन सभी अपने चुनावी मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और RJD की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया है। 13 साल बाद सहरसा फारबिसगंज के बीच फिर दौड़ेंगी ट्रेनें, इतने दिनों के अंदर शुरू होगा परिचालन। सहरसा पूर्व मध्य रेल सहरसा फारबिसगंज के बीच रेल सेवा शुरू होगी। वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष के इस रेल खंड पर रेल परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित है। रेल निर्माण विभाग की देखरेख में राघोपुर फारबिसगंज के बीच रेल निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है। सहरसा से फारबिसगंज की दूरी 111 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोसी इलाका से सटा पड़ोसी देश नेपाल होने के कारण सहरसा फारबिसगंज रेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारबिसगंज से नेपाल जाने में जोगबनी होकर मुश्किल से आधा घंटा का रास्ता है। नेपाल के कई हिस्सों में कोसी इलाका का रोटी बेटी का संबंध कायम है। बाहर से आए लोगों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने का निर्देश। सिवान प्रखंड मुख्यालय स्थित IT भवन में शनिवार को BDO दिनेश कुमार सिंह ने प्रखंड के सभी BLO के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। इस लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। इस प्रवासी श्रमिकों की उम्र के साथ नाम पता जानकारी दें। वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, इसकी जानकारी देने की बात कही। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने को ले प्रपत्र 6 देने, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है इसकी सूचना दें। नए महिलाओं का नाम जोड़ने, मतदान केंद्र पर बुनियादी सुविधाओं पर उपलब्ध होने संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। इसके लिए सभी BLO को रिपोर्ट देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ट्रक से पंजाब के रास्ते मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही शराब जब्त। पंजाब के होशियारपुर जिले से बिहार के मुजफ्फरपुर के सराय जा रही शराब को राज्य के सीमा में प्रवेश करते ही शनिवार की सुबह पुलिस ने DCM मिनी ट्रक सहित जब्त कर लिया। साथ ही चालक समेत दो को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार व्यक्ति मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी राकेश कुमार तथा इसी जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी धर्मेंद्र कुमार है। शराब की बाजार कीमत 5 लाख बताई जा रही है। शराब वाहन पर चना के छिलके भरे बोरे के नीचे छुपा हुआ था। गाड़ी में 83 कार्टन शराब पाई गई। DM का फर्जी ईमेल ID बनाकर गोपालपुर की BDO से मांगे इतने रुपए। भागलपुर जिले में साइबर ठगों की सक्रियता अब बढ़ गई है। छोटे मोटे लोगों की जगह अब बड़े अधिकारियों के नाम से फर्जी ईमेल ID बनाकर रुपये की मांग की जा रही है। ताजा मामला DM से जुड़ा है। DM प्रणव कुमार के नाम से साइबर ठगों ने फर्जी ईमेल ID बनाकर गोपालपुर के BDO से रुपए की मांग की। DM के आदेश पर जिला नजारत शाखा के प्रभारी त्रिलोकी नाथ सिंह ने
जोगरस थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया गया। भागलपुर विधानसभा सीट से भाजपा ही लड़ेगी चुनाव। भागलपुर विधानसभा सीट को लेकर तमाम कायशों पर विराम लग गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन ने कहा कि भागलपुर भाजपा की परंपरागत सीट है, इस सीट से भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। इससे पहले यह कायश लगाया जा रहा था कि भागलपुर सीट इस बार जदयू के खाते में जाएगी। प्रेम रंजन पटेल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भागलपुर सीट को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है, भाजपा जदयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारी बात जदयू से हो रही है, एक सप्ताह के अंदर हम सहयोगी के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बुनकरों के बहुरंगी दिन, खुलेंगे रोजगार के द्वार। भागलपुर स्पंज सिल्क मिल्क परिसर को स्मार्ट सिल्क सिटी हैंडलूम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुवार को पटना में उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी व उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिल्क सिटी का शिलान्यास किया। बिहार को सौगात, पीएम मोदी विक्रमशिला के समानांतर पुल और फुलौत के 4 लेन पुल का 21 को करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 2-4 लेन पुलों का शिलान्यास जल्द करेंगे। बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के लिए राज्य में 2 नदियों पर बनने वाले भागलपुर और फुलौत 4 लेन सेतु की निविदा मिल गई है। 2 पुलों के निर्माण पर 2,594.76 करोड़ की लागत आएगी। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि 4 लेन का एक पुल भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 1,116.76 करोड़ की लागत से बनेगा, जबकि दूसरा 4 लेन वाला पुल राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 106 के फुलौत में 1,478.4 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर बनेगा। कोरोना के बीच बिहार से नेपाल, झारखंड और यूपी के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी। बिहार में कोरोना काल के बीच ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब अंतर्राज्य सेवाओं का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया। बिहार के जिलों के बीच चल रही बसों को विस्तार देते हुए परिवहन विभाग ने इसकी योजना बनाई। इस विभाग ने यूपी, झारखंड और नेपाल के लिए बस सेवा शुरू करने की पहल की है। इसके लिए यूपी और झारखंड सरकार को पत्र लिखा गया है। जानकारी के अनुसार पत्र लिखने के पीछे विभाग की मंशा अविलंब बसों का परिचालन शुरू करना है, ताकि आने जाने वालों लोगों को सहूलियत मिल सके। वहीं नेपाल बॉर्डर पर आवागमन शुरू होने के बाद बसों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया। बसों का परिचालन कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से किया जाएगा।